अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक ठाक कैंट होंगे। लॉन्ग टाइम नो सी इन द व्लॉग भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा यार, सीन कुछ यूं है कि अभी ना पहले ना मेरा फराज दोस्त गया था इस्लामाबाद और मरी गया था, वहाँ से आई है वॉच। अब सबसे पहले घर जाना है, घर जाकर मेरे को वॉच बुलानी है, उसके बाद जाकर के हमने आगे सीन पार लगाना है। पहले घर चलते हैं वापस, फिर यहीं पे आते हैं। अच्छा मैं ठीक हूँ, जो मर्जी करो। मैं क्या सीन कुछ होता है कि भाई अम्मी को घड़ी वगैरह पहना के मैं आ गया हूँ गली में। अब गली में सीन ये है कि मेरे पास एक दोस्त है जट साहब, जट साहब है फिर आफात के दोस्त, उनका नाम है फिजान जट। अब उनके साथ मैं जा रहा हूँ मंडी और वहाँ पे जैसे कोई पेड फुटबॉल सीन कोई करते हैं, अगर मुझे कोई पसंद आया तो मैं ले लूँगा, वरना कोई सीन है, लेकिन जट साहब के लिए लाजमी ही मैं लेना है। और दिखाता हूँ कि जट साहब कौन है। जट साहब है ये, फिजान साहब क्या हाल है? पुरस्कार ले आ रहे हैं, आईफोन नहीं हमारे पास। ठीक ठाक बेहतरीन मजे। तब सीन कुछ हुआ कि अब हम जा रहे हैं मंडी, मंडी जाने के बाद वहाँ देते हैं पैसे लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि मंडी होती कैसी मुकाम की। सो लेट्स गो विद अस। सफर किया और पता चला कि हम मंडी आ गए। नहीं, नहीं मानता। वो कहते ना कि जिसको दिल से राह होती है। तो भाई सफर किया और मंडी आ गए, पता भी चला। वो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है, अंदर जाए तो कोई परचेसिंग करते हैं। अब सबसे पहले तो हमने माना एटीएम। अब पता नहीं एटीएम कहाँ है, ताकि एटीएम जा करके हम कुछ पैसे पूछने के लवाएं। पैसे भाई पता 10-12 तरीक हो जाती है, सैडली सुली आ जाती है। ठीक है, तो पैसे पूछने के लवाएं, और अगर कोई मुंह कोई चीज पसंद आ गई उसको मुंह पे मारे और चीज ले लें। व्हाट पे ना सिर्फ और सिर्फ क्या है, मुर्गा पड़ा है हर किसी के पास, मुर्गे शुर्गे हैं। और ये मुर्गे भाई मुझे इसलिए बांधते हैं ताकि आपस में लड़े ना, हालांकि लड़ने वाले होते हैं इनके ना पाँव पे वो होते हैं साखे वगैरह होते हैं, तो लड़ते हैं इसे मुंह पे लगाते हैं कपड़ा ताकि ये लड़े ना। ठीक है भाई, तुम्हें दिखाता हूँ मैं एक चीज़। अब उस चीज़ को देख के जो मुझे समझ आई हकीकत क्या है वो ये है कि अब मैं ना तुम्हें खा रहा हूँ एक जोड़े, चेक करो, येलो के साथ येलो, ब्लैक के साथ ब्लैक। और सामने बैठा खरगोश भाई, वो क्या ही हसीन लग रहा है देखने में, उसको मैं टच किया तो क्या ही अच्छा लगा। वो दिखाऊं तुम्हें क्या सीन उसका भाई, ये जो मजा है ना टच करने का, क्या ही मजा है, क्या ही मजा है भाई, क्या ही मजा भाई, क्या ही चीज़ है यार। इसको मैं टच करूँ ना भाई, कहती मुझे हाथ लगाओ चेक करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये देखो पास आती है भाई। मेरा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता, मैं तेन पाड़ के रख देंगा तेन। काम ये है कि ऊपर से नीचे आ गए हैं और नीचे आए हैं तो सामने अब है बड़ी इधर बकरा मंडी, बकरियाँ लगी हुई हैं। अब आगे जा रहे हैं जहाँ मुर्गे वगैरह होते हैं, अगर मुझे कोई मुर्गी पसंद आएगी तो मैं ले लूँगा, लेकिन बीमारी बहुत हार्ड जा रही है, फुल टाइम पीक पे जा रही है कुछ, तो इसलिए बेहतर है कि उठा दिन ना ले। तो आईफोन ही दिखा रहा बार बार, मैं पैसे समझा करो यार। कोई पसंद आ गया तुम्हें यहाँ पे कुछ? यार ले लो अच्छे हैं। मैं पता क्यों ले रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने आज स्ट्रीम करनी है, स्ट्रीम में कंटेंट होगा, बच्ची बच्ची आएगी, दिखाऊंगा यार, तो बुलाऊंगा या तो फ्लर्ट करूंगा। यार असल में साहब ऐसे भी करतूते ऐसे की हुई है, असल चेहरा दिखा के रखते थे। जट साहब देख के कैसा लग रहा है, देख के गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। खाने की तो बात की बात है, देख कैसा लग रहा है भाई, लुक की बहुत भाई लुक अच्छा। चले फिर पैक करवा दो भाई, ये है ये एक मादी है, ठीक है मैं ये पसंद है, ये रेड आइस में, ठीक है मुझे रेड आइस ये पसंद है, ओके मैं ठीक है। अरे भाई 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 कुछ नहीं, मेरा दोस्त मिल गया अमार, क्या हाल है? हां एक कुत्ती है बहन सीरी, अब देखिए मैंने भाई ये चेक करो, पैर लगा के बैठे हैं भाई, पर तेरी उम्र है करने की है भोसड़ी के, जली ना तेरी भी जली ना। पर गोश्त लिया हमने तो, ये मादी है और ये है नर मजलूम, ठीक है अब ये जा रहे हैं और इनको हम लेके जाएंगे अब घर। भाई जली फाड़ेंगे तो नहीं ना, होता क्या है ना कुछ होते हैं फ्रेंड फ्रेंड विद बेनिफिट वाले, तो हमें यार वो गोश्त नहीं मिल गया जिसके पेड़ में पहले भी 4-5 बच्चे हैं।
ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये कुछ कैश, और कैश के लिए हम आए एटीएम मेजान बैंक। दुआ करो चल जाए। कल रात को जो मेजान बैंक था वो बिल्कुल चले था। मैंने इधर कैश कुछ निकलवाया ताकि मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं ले लूंगा। फिलहाल तो मैंने ये लिया ना, और ओह अब शोर है। तो भाई यहाँ पे 24 पे एसी चल रहा है लेकिन एसी किसी काम का नहीं है। अभी अब आए हैं फिजान भाई घर। उन्होंने कुछ रखी हैं, मुर्गियाँ रखी हैं, वो हमने देखी हैं। ये फिल्डिंग उनकी ना बहुत बहुत ही खूबसूरत है। और जो खरगोश दिखाता हूँ ना, कैसे घूम रहे हैं भाई, इंजॉय कर रहे हैं, फिल्म एक्टिव हो गए। अभी तुम दिखाता हूँ कैसे नहीं आपका। ओ भाई सब ये चेक करो भाई, क्या भाई एक्टिव हो गए। जट ध्यान करिए, नीचे ना चले जाए। अभी एक और कहाँ गया वाइट वाला, वो हो गया जट, वो देखो जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, इनका ध्यान करिए। एक और कहें वाइट वाला, इधर ही है ना। सब मेहरबानी, आप मुझे सुबह ले भी गए यहाँ से, फिर जूती आ गई यार सबकी। सब आपकी मेहरबानी, आप सब मुझे यहाँ से लेके भी गए, और आपसे मैं ऑफिस आ गया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। तो अभी अजान हो रही है, मुँह हाथ शुआ धोते हैं, इसको भी धोते हैं, देन उसके बाद हम कहते हैं लाइव स्ट्रीम थंबनेल बनाएंगे, बैठ के शुगर लगाएंगे भाई। वाह भाई यार, गजब टू बी वाजा। अब हम आ गए हैं अपने ऑफिस। हमें कुछ तबीयत कुछ बेहतर थी जिसकी वजह से मैं आज दोस्तों साथ घूम रहा था, क्योंकि आज संडे भी था और छुट्टी भी थी। ठीक है, अब इसलिए कुछ यूँ करना है कि मैं जाऊँगा अपने रूम में जा करके मेरा आपको दिखाता हूँ किस तरह मैंने सब कुछ पैक किया होगा। जिसने मेरी पोस्ट देखी है अभी आप लोगों के सामने, उसको मैं क्या कहते हैं उसको अनबॉक्सिंग दोबारा करता हूँ, और अपने सेटअप को सफाई सफाई करके थंबनेल बना के इसके साथ आज को मैगल पे सीन करेंगे। तो फिर मैं आ रहा हूँ, मेरे नीचे जा रहा हूँ। इट्स योर बॉय, या उसे कुछ यूँ है कि यार मैं खाना बना वहाँ से किया तुम्हारे साथ में, ठीक है। उसके बाद ऑफिस है, मुँह हाथ धोया, अब मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने के बाद अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ था, ठीक है। तो मैं चीज़ दिखाता हूँ, मैं अगर तुम्हें शो कर सके मेरे ये मास्क पहन के बैठो मैं अब। हाँ ये शो रहा है, देखो ये पसीना सारा, ये सारा फेस का पसीना है, ठीक है। तो मतलब भाई कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल से बनता है कंटेंट भाई, ऐसे कोई कंटेंट नहीं बन जाता। तो भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह के काम करना। और मैं कब से लेके बैठा हूँ, 3 घंटे हो गया स्ट्रीम को, अब स्ट्रीम पर 3 घंटे से बैठे हुए मास्क पहन के ना। तो बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी व्लॉग आएगा ये वाला। मैं कहूँगा अपने एडिटर को, भाई व्लॉग निकाल यार, मुझे व्लॉग चाहिए ये वाला। तो बस अभी कुछ है कि कुछ टाइम है, उसके बाद थोड़ी गेम शेम को कोई सीन करते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आने वाला है, तो कोई गेम शेम वाला कोई सीन, कुछ ना कुछ सीन करते हैं। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहो। तो भाई साहब यार देखो भाई, दोस्त हो ऐसा भाई, सारी दुकानें मेरा बंद हो गई हैं, कोई आसपास नहीं है, ठीक है। तो मेरा दोस्त घर से बाहर इंतजार कर रहा है ठंड के अंदर, कि भाई उसाफ अंदर गया, घर से वापस कब आएगा। तो मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला था खाना लिया, और मेरा दोस्त मेरे बाहर इंतजार कर रहा था ठंड के अंदर। भाई मुल्तान की ठंड बहुत अखीर जा रही है आजकल ना। तो अब दोबारा जा रहे हैं हम अपने ऑफिस। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और लोगों को, तब तक के लिए अनटिल देन बाय। इट्स योर बॉय।